हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की जिसका नाम है कायिक प्रबंधन से लाभ एवं हानियाँ। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको कायिक प्रबंधन के बारे में विस्तार से डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा ताकि आपको इसके लाभ और हानियों में समझने में दिक्कत ना हो। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो नए वीडियोस आते हैं वो आपको टाइमली अवेलेबल हो सकें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कायिक प्रबंधन से लाभ की। पहला लाभ देख लेते हैं। कायिक प्रबंधन विधि द्वारा पौधों की घटिया प्रजातियों को उत्तम प्रजातियों में विकसित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ घटिया प्रजातियाँ खेत में अवेलेबल होती हैं लेकिन उनसे उत्पादन अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। यदि इन प्रजातियों के ऊपर उत्तम प्रजातियों की कलम लगा दी जाए तो इन्हीं घटिया प्रजातियों को उत्तम प्रजातियों में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए दूसरा लाभ देख लेते हैं। कायिक प्रबंधन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि कायिक प्रबंधन के द्वारा जो पौधे बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से नहीं गुजरते हैं, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें बनती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतानों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको शुद्ध पौधे प्राप्त करने हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम विधि है कायिक प्रबंधन। अगला लाभ देख लेते हैं। कुछ पौधों जैसे केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि में बीज कठिनता से एवं देर से प्राप्त होते हैं, अतः इन पौधों में कायिक जनन द्वारा कम दिनों में ही नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो केला है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज दिखाई हमको देते हैं। दोस्तों ये जनरली नॉन वायबल सीड्स होते हैं, यदि आप इनको बो देंगे तो इनसे पौधे प्राप्त ईजिली नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों में हम कायिक प्रजनन द्वारा नए पौधे या नई वैरायटी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगला लाभ देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा नई संतति को प्राप्त करने के लिए पौधों को विभिन्न प्रक्रियाओं तथा बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा अंत में संतति प्राप्त होने की निश्चितता भी नहीं रहती है, परंतु कायिक जनन द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है लैंगिक जनन, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें कई सारी प्रक्रियाओं से कई सारे प्रोडक्ट बनाने के बाद तब जाके अंत में फल और उनके अंदर बीज हमको प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में लास्ट में हमको बीज मिल ही जाएंगे इसकी भी कोई निश्चितता नहीं होती है, जबकि कायिक जनन विधि द्वारा हम कम समय में साथ ही साथ बहुत ही आसानी से और निश्चित रूप से नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला लाभ देखते हैं। इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, साथ ही साथ पुष्प फल व बीज बनने तथा अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन के लिए बहुत समय लगता है। पहले फूल बनेंगे, फूल के अंदर फिर जनन अंग डेवलप होंगे, उसके बाद में फिर उनमें निषेचन होगा, तब जाके फल का निर्माण होगा। इसमें काफ़ी समय लगता है जबकि कायिक जनन में इतना समय नहीं लगता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन में प्रतीक्षा का टाइम फल बनने के बाद भी काफ़ी आगे रहता है, क्योंकि फल बनने के बाद हम तुरंत उनको रखना भी पड़ता है, तभी उनके अंदर जो बीज होते हैं वो मैच्योर हो पाते हैं और नई जनरेशन के लिए तैयार हो पाते हैं। जबकि कायिक प्रबंधन में ऐसा नहीं है, उसमें कम समय में बिना प्रतीक्षा किए हुए जल्दी ही नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए अगला लाभ देख लेते हैं। इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यय नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा लैंगिक जनन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं पौधों को, उन्हें सुगंधित पुष्प उत्पन्न करने होते हैं, मकरंद पुष्पों के अंदर बनाना होता है, पुष्पों का कलर भी चटकीला रखना होता है। ये सब इसलिए किए जाते हैं ताकि परागण की क्रिया आसानी से
हो सके। यदि परागण की क्रिया नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में लैंगिक जनन फेल हो जाएगा। इन सारे कार्यों को करने के लिए बहुत सारा पदार्थ व्यय करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कायिक जनन एक लाभदायक प्रक्रिया है। अगला लाभ देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में बीजों के अंकुरण तथा फल पकने तक उनकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। कायिक प्रबंधन में इन सब से छुटकारा मिल जाता है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी, लैंगिक प्रजनन में फल बनेगा, फल के अंदर बीज होते हैं, तो फल जब पौधे पर लगे होते हैं उस समय उनकी देखभाल की आवश्यकता रहती है, कहीं कोई चिड़िया उसको खा न ले, बंदर आके उसको नुकसान न कर दे, नष्ट न कर दे। ऐसी स्थिति में कायिक जनन सबसे उत्तम विधि है, जिसके द्वारा हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं कायिक जनन की। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल शीघ्रता से बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस पौधे से हम कायिक प्रवर्धन द्वारा नई संतति प्राप्त करते हैं उसमें उत्तम क्वालिटी के गुण विद्यमान रहते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन की। पुराने पौधों के समाप्त होने से पूर्व भी नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा लैंगिक जनन में फल बनने के बाद पौधा बेकार हो जाता है, वो सूख के नष्ट होना है उसको, और इसी दौरान हमको नए पौधे भी प्राप्त होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ एक जनरेशन नष्ट हो रही है और दूसरी जनरेशन प्राप्त हो रही है, जबकि कायिक जनन में ऐसा नहीं है। इसमें पुराने पौधे के ऊपर ही नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कायिक जनन से नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कायिक जनन का नुकसान देखते हैं। इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं पहुंच पाते हैं तथा मात्र पौधे के समीप ही उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप इन्हें भोजन, जल तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और इनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। कायिक जनन के द्वारा विभिन्न तरीकों से पौधों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा संभव होता है, जिससे पौधे वो दूर दूर उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि लैंगिक जनन दूर दूर पौधों को कर देता है, तो उन्हें भोजन, जल, वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। जबकि कायिक जनन में पौधे नज़दीक ही उत्पन्न होते हैं, एक ही पौधे के पास में कई सारे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उन्हें कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। आइए अगली हानि देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन से। इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लैंगिक जनन प्रोसेस में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के द्वारा कुछ नई तरीके के कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन युग्मकों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लैंगिक जनन के द्वारा ऐसी संतानें प्राप्त होती हैं जो विभिन्नताओं युक्त होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि नई संतानें प्राप्त होती हैं। इस तरह की संतानें आपको कायिक प्रबंधन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। कायिक प्रबंधन से अगली हानि देख लेते हैं। इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती, फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं किया जा सकता, जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से युग्मकों में नई तरीके के जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ये नई तरीके के जीन कॉम्बिनेशन पौधों में सुधार लाते हैं, उनके वंश में सुधार आता है। इस तरह का सुधार आपको कायिक प्रवर्धन में देखने को नहीं मिलेगा। कायिक प्रवर्धन से अगली हानि देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों में कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है, ऐसा लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि जब तक जीन्स के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा, तब तक आने वाली पीढ़ी बिल्कुल एक जैसी ही रहेगी। धीरे धीरे वातावरण के प्रभाव की वजह से एवं अन्य कारणों की वजह से पौधों की गुणवत्ता में, उनके उत्पादन में गिरावट आने लगती है, ह्रास होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो पाता है, और ये चेंज किस में होता है? लैंगिक प्रजनन की क्रिया में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने कायिक प्रवर्धन की हानि
और लाभ देखे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो नए नए वीडियोस हैं वो समय पर आपको उपलब्ध हो सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।